जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग इससे पहले कई वीडियोस देख चुके हैं जिसमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को कैसे कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है, और फिर कैसे कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को है ना पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए टॉपिक लिखा है इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करना, बदलना। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रॉम पीडी टू सीडी, अर्थात पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कितने तरह के पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंसेस होता है जिसको हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर है यहाँ लिखा हुआ, तीन तरह के सेंटेंसेस होगा जो पॉजिटिव डिग्री का होगा और उसको कॉम्परेटिव में बदला जा सकेगा। सबसे पहला देखिए है सब्जेक्ट वर्ब एज एडजेक्ट या और सो, एज भी रह सकता है, सो भी रह सकता है, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, एक ऐसा सेंटेंस होगा जो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। फिर दूसरा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से शुरू होगा, जैसा आप देख रहे हैं इसके शुरू में नो अदर होगा, तब सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब होगा, एज प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज होगा, तब लास्ट में नाउन या प्रोनाउन होगा, तब अदर वर्ड, वहां हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा है। तब दूसरा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देख रहे हैं, वेरी फ्यू से शुरू होता, तीसरा वेरी फ्यू से शुरू होता है ना, वेरी फ्यू होता है, तब सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब प्लस एज ऑब्लिक एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज, तब लास्ट में नाउन या प्रोनाउन रहता है। तो आपने देखा ये तीन तरह के सेंटेंसेस, जिसकी पहला जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से है, दूसरा जिसकी शुरुआत नो अदर से है, तीसरा जिसकी शुरुआत वेरी फ्यू से है, ये तीन तरह के सेंटेंसेस को जो पॉजिटिव डिग्री में है को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो ये पहला जो है उसको कैसे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपने देख लिया कि किस तरह का सेंटेंस होगा, कैसे उसको पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में चेंज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखें, सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है ना। ऐसा सेंटेंस जब हो जाए तो आपको ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये देखिए वर्ब है, एज या सो एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज, ये पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस की आइडेंटिटी होता है जिसके मदद से हम समझ जाते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, और लास्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जब आप इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले ये लास्ट नाउन या प्रोनाउन को पहले लिखेंगे, तब वर्ब दे देंगे, तब ये एज एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज को है ना सीडी प्लस देन में बदल देंगे, याद रहेगा सीडी प्लस देन में, तब लास्ट में इस सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो आप इसका ये जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर सेंटेंस है, पहला नंबर में इसका सीडी हो जाएगा, तो आप देखेंगे लास्ट नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, लास्ट नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन है ना, ये जो लास्ट में नाउन या प्रोनाउन है ये शुरू में आ जाएगा, और इस प्रोनाउन के बाद आप वर्ब दे देंगे, क्या दे देंगे वर्ब दे देंगे, वर्ब के बाद ये एज एडजेक्टिव ऑब्लिक वर्ब दे देंगे। और याद रखें यदि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एंड अफर्मेटिव है, याद रहेगा यदि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होगा है ना, और यहाँ नोट का प्रयोग करना होगा, यदि ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा, इसमें से नोट को हटाना होगा, याद रहेगा है ना। यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होगा तो ऐसी स्थिति में कॉम्परेटिव नेगेटिव होगा, यदि ये नेगेटिव होगा तो इसका कॉम्परेटिव अफर्मेटिव होगा, याद रखें। तब उसके बाद है ना सीडी प्लस देन दे दें, सीडी प्लस देन दे दें, तब सब्जेक्ट ऑफ पीडी, तब क्या दे दें सब्जेक्ट ऑफ पीडी दे दें। तो दोस्तों आपने देखा है ना, ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में है उसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले ये लास्ट नाउन या प्रोनाउन को यहाँ ले आए, तब वर्ब दिए, यदि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो ये कॉम्परेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यदि ये पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगा तो कॉम्परेटिव अफर्मेटिव होगा।
तब ये एज एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज जो है उसको सीडी प्लस देन में चेंज कर देना है, तब पीडी के सब्जेक्ट को लास्ट में लिखना है। तो देखा आपने हम लोग कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कॉम्पिटेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, आपको समझ में आया होगा है ना। तो इसको यदि आप चाहते इसमें क्या क्या किए स्टेप आपको लिखना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे है ना स्टेप है ना स्टेप्स। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या किए, मेक द लास्ट नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन ऑफ पीडी द सब्जेक्ट ऑफ द सीडी है ना, याद रहेगा। ये पीडी का जो लास्ट नाउन या प्रोनाउन होता है उसको सीडी का क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। बी नंबर में देखें, इफ पीडी इज एफर्मेटिव द सीडी इज नेगेटिव, याद रहेगा। इफ द पीडी इज एफर्मेटिव द सीडी इज नेगेटिव, मतलब यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो कॉम्परेटिव डिग्री नेगेटिव हो जाएगा। बट इफ द पीडी इज नेगेटिव है ना, पीडी इज नेगेटिव तो सीडी इज एफर्मेटिव, तो पीडी यदि नेगेटिव होगा तो सीडी क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव होगा। तो आपको याद रखना है यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव हो तो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस एफर्मेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखें। सी नंबर में लिखें, चेंज कर देना है एज ऑब्लिक सो प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज इनटू सीडी प्लस देन, याद रहेगा है ना। इसको आप याद रखें, चेंज कर दें बदल दें एज प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज, ये एज प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज जो है इसको चेंज कर दें इनटू सीडी प्लस देन। ये जो आप देख रहे हैं इसको किस में चेंज कर देना है, सीडी प्लस देन में चेंज कर देना है। और तब फिर डी नंबर में, राइट द सब्जेक्ट ऑफ द पीडी आफ्टर सीडी प्लस देन, सीडी प्लस देन याद रहेगा है ना, क्या लिखा, राइट द सब्जेक्ट ऑफ द पीडी आफ्टर सीडी प्लस देन। तो दोस्तों आप लोग देखें यदि इस तरह का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होगा तो कॉम्परेटिव में बदलने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मेक द लास्ट नाउन और प्रोनाउन ऑफ द पीडी द सब्जेक्ट ऑफ द सीडी, पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट नाउन या प्रोनाउन होगा वो कॉम्परेटिव डिग्री का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर जैसे इफ द पीडी इज अफर्मेटिव सीडी इज नेगेटिव, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। बट इफ द पीडी इज नेगेटिव द सीडी इज अफर्मेटिव, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाए तो सीडी नेगेटिव होगा, यदि पीडी नेगेटिव होगा तो सीडी अफर्मेटिव होगा। चेंज बदल दें एज ऑब्लिक सो प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एज इनटू सीडी प्लस देन, ये जो फॉर्म लगा रहता है पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड इसको सीडी प्लस देन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तब राइट द सब्जेक्ट ऑफ द पीडी आफ्टर सीडी प्लस देन, तब पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है सीडी प्लस देन के बाद लिख देते हैं। और याद रखें इसको है ना, नोट कर लें, बाय रिवर्जिंग द अबव रूल्स वी कैन चेंज द सीडी इनटू द पीडी है ना, ये बाय रिवर्जिंग द अबव रूल्स, ऊपर में जो रूल्स है उसको रिवर्स करके उसको उलट करके हम लोग पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को क्या कर सकते, सॉरी कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के सेंटेंस को
पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जब इस तरह का होगा तो कैसे कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी देखे और उससे रिलेटेड हमने क्या क्या किया उस वो स्टेप्स भी देखे। आप इस स्टेप को अच्छी तरह याद कर लें, इसको नोट कर लें और इसको बार बार देखें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपकी है ना ये इसकी तैयारी आपको अच्छी तरह हो सके, है ना। और इससे मेरा कहना रहता है आपको कि इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी फायदा हो, वे भी इसको समझे उनको, है ना, और उनकी भी परीक्षा की तैयारी आसानी से हो सके। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो अभी आप स्ट्रक्चर पढ़े थे उसको स्ट्रक्चर के माध्यम से स्ट्रक्चर देखे थे उसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो लिखेंगे, है ना, तो यहां लिखेंगे, है ना, पीडी में लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री में राम इच लिख रहे हैं, एच टॉल एज मोहन, क्या लिखा, राम इज एज टॉल एज मोहन। राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, एज टॉल एज, तब यह मोहन लास्ट नाउन है। इसका जब पीडी सीडी बनाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलाएंगे तो सबसे पहले इसको लाएंगे मोहन को, मोहन तब प्लस है ना इज देंगे, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहां आप नोट दे दें। एज एडजेक्टिव एज को सीडी प्लस देन में टॉल का सीडी आप जानते हैं चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था टॉल का सीडी टॉलर देन हो गया, तब ये सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देना है राम, है ना, लिखा है राम इज एज टॉल एज मोहन, इसका सीडी हो गया मोहन इज टॉलर देन, मोहन इज नॉट टॉलर देन राम। फिर एक और एग्जाम्पल देखें पीडी में, है ना, शी डच नॉट रन सो फास्ट एज यू, देखिए लिखा है शी डज नॉट रन सो फास्ट एज यू, यहां देखिए सो फास्ट एज लगा है, ये पॉजिटिव डिग्री का है सेंटेंस, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले ये लास्ट नाउन को पहले ले आए तब लिखेंगे यू, यू लिख दिए, आप इसको देखिएगा तो ये लगेगा कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और नेगेटिव है, और इसको जब कॉम्परेटिव में बदलेंगे तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो यहां वर्ब का पहला या पांचवा रूप यू के अनुसार बी वन हो जाएगा यू रन, है ना। अब एज एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज को सीडी प्लस देन में बदलते हैं, फास्ट का सीडी फास्टर देन, यू रन फास्टर देन, शी को लास्ट में लिखते हैं, इस तरह पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में बदल जाता है। और आप है ना इस तरह ये कॉम्परेटिव डिग्री को भी पॉजिटिव डिग्री में आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एक सीडी में है, है ना, इंडिया इच मोर पावरफुल देन बांग्लादेश, है ना, इंडिया इज मोर पावरफुल देन बांग्लादेश, है ना, ये देखिए सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये मोर पावरफुल देन, ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लास्ट में ये नाउन है, इसका जब पॉजिटिव डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो वो लास्ट नाउन को शुरू में लाएंगे क्या लिखेंगे, बांग्लादेश, बांग्लादेश इज नॉट, ये चूंकि अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बांग्लादेश इज नॉट, है ना, सो पावरफुल एज इंडिया, बांग्लादेश इज नॉट सो पावरफुल एज इंडिया। तो आपने देखा किस तरह के पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप पूरा वीडियो देखें, है ना, और शुरू से अंत तक देखें, इसका नोट बना लें, यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट करें, और आप यदि समझ गए हैं तो इसको एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दें और उन सभी बच्चों को शेयर कर दें जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।